अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दानिशा व्लॉग। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। होप करते हैं कि आप सभी के रोज़े काफ़ी अच्छे से गुजर रहे होंगे। सो या आई एम अगेन बैक विद माय न्यू व्लॉग। सो या चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो हाँ जी दोस्तों, अभी हो चुका है शाम का वक्त और यहाँ पर इफ्तारी की प्रिपरेशंस वगैरह चल रही हैं। सो आज मम्मी इफ्तारी में बना रही थी पाव भाजी और खस्ते भी बना रही थी। सो मैंने सोचा चलें थोड़ा बहुत तो क्लिप शूट कर ही लिया जाए। और फ्रेंड्स, अम्मी ने खस्ते यानी कि मीठी टिक्कियों की कंप्लीट रेसिपी पहले ही इसी चैनल पर अपलोड की थी। सो आपको खस्ते की कंप्लीट रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी मैं मीठी टिक्कियाँ यानी कि खस्ते की कंप्लीट रेसिपी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। बन गई है और इधर भी फ्राई हो गई है। सो गाइस, अभी यहाँ पर सारी मीठी टिक्कियाँ यानी कि खस्ते हो गए हैं परफेक्टली रेडी और अब मम्मी यहाँ पर पाव भाजी की जो भाजी होती है उसे रेडी करने जा रही हैं। वैसे फ्रेंड्स, मम्मी ने पाव भाजी की कंप्लीट रेसिपी पहले ही इसी चैनल पर अपलोड की थी। बाकी मैं पाव भाजी की कंप्लीट रेसिपी का लिंक इसी चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बाकी पाव भाजी की कंप्लीट शॉर्ट वीडियो मैं आज इसी चैनल पर अपलोड भी कर दूँगी। सो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। सो अभी यहाँ पर पाव भाजी की भाजी भी हो गई है तैयार। सो अब मम्मी यहाँ पर पाव को भी फ्राई कर लेंगे। सुनो आए रमजान की सातें, बढ़ाती है अल्लाह हाने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माँ। तो अभी हो चुका है रोज़ा खोलने का वक्त। सो बस अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठकर अजान का वेट कर रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए। और बस अभी यहाँ पर हमारा रोज़ा खुल चुका है और अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मुलाकात करती हूँ। तो गाइस, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और फिलहाल तो हो चुका है शाम का वक्त। सो मैंने सोचा चलो आज इफ्तारी में मैं कुछ बनाती हूँ। सो मैंने सोचा चलो आज मैं दही बड़े बनाती हूँ। सो मैंने दही बड़े का बैटर रेडी कर लिया था और यहाँ पर अभी जो दही रेडी होती है उसमें मैंने इतने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए जो कि इतना वर्स्ट हो गया था मेरे लिए। और बस अभी यहाँ पर मैं फुल्कियाँ वगैरह जो कि ये भी परफेक्टली नहीं बनी थी। लाइक फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कोई चीज़ इतनी बेकार बनाई थी कि मेरा लाइक खाने बनाने से विश्वास उठ चुका है कि मैं दोबारा दही बड़े नहीं बनाने वाली जिंदगी में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। The next morning. सो गाइज, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और फिलहाल तो हूँ मैं स्कूल में और आज स्कूल में है ग्रेजुएशन सेरेमनी छोटे बच्चों की, एक दिन बाद बड़े बच्चों की भी है। और फ्रेंड्स, ये वही साड़ी है जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं साड़ी क्यों परचेस कर रही हूँ, तो मैंने इसी फंक्शन के लिए परचेस किया था। बाकी अभी मुझे स्कूल की साड़ी प्रोवाइड नहीं हुई है। सो अभी मैं यही साड़ी पहनकर आने वाली हूँ रेगुलर। और बाकी मुझे साड़ी पहनना तो नहीं आता बट हाँ, स्कूल के प्रोटोकॉल से तो पहनना तो है ही है। और यहाँ पर अभी राजस्थानी फोक डांस चल रहा था। सो चलें लेट्स एंजॉय। सो यहाँ पर अभी हमारी कुछ न्यू फ्रेंड्स बनी है। सो अभी मैं उनके साथ ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रही थी। Thank you.
are celebrating. And I wish all the parents and all the children Eid Mubarak. A few moments later. So at the end हम लोगों को रिफ्रेशमेंट में आइसक्रीम भी मिली थी. सो बस अभी हम सब लोग यहाँ पर आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे. तो हाँ जी दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग तो यहीं पर एंड होता है. एंड आई रियली होप आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. सो अब मैं आप लोगों से हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी जो कि बहुत जल्दी आएगा. सो टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखें.